मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी जवाब की तलाश में। अनुलता भोपाल में रहती हैं, पब्लिश्ड ऑथर हैं, केमिस्ट्री में एमएससी किया है और हमारी कंपनी कंटेंट प्रोजेक्ट में एसोसिएट क्रिएटिव हेड हैं। आइए सुनते हैं उनकी लिखी कहानी। मेरे घर को बुरी नजर लग गई थी, पर क्या होती है ये बुरी नजर? क्या कभी अपने घर को हमारी ही टोक लग जाती है? शायद हाँ। कितना अच्छा परिवार था हमारा, माँ पापा और मैं, यानी पापा की लाडली तनु। छोटा सा घर और हमारे छोटे छोटे सपने जो कभी आपस में टकराए नहीं, बल्कि सींचते रहे हम एक दूसरे की खुशियों की पौध को, हरा रखते रहे अपना संसार। पापा दिन रात मेहनत करने वाले एक इन्वेस्टमेंट एजेंट, माँ घर को अपनी पीठ पर संभालने वाला कछुआ। माँ पापा एक दूसरे के पूरक थे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे। पापा काम से वापस आते तो दोनों डाइनिंग टेबल पर साथ खाना खाते। पापा दिन भर की बातें बताते और माँ हाथ में ठोड़ी टिकाए बड़े ध्यान से सुना करती थी। लेकिन पिछले कई दिनों से जैसे सब कुछ बदल गया है। वो दोनों अब साथ होते हैं तो मैं उनके बीच एक अजीब सी सुखबुगाहट सुनती हूँ। उनके चेहरे बेहद तल्ख नजर आते हैं और माँ की आवाज़ अक्सर तेज हो जाती है। मुझे नहीं थी आदत उन तेज होती आवाजों की, उन बेताला लहजों की, पर मेरे सामने दोनों एकदम सहज हो जाते, इसलिए मैं खुलकर पूछ भी नहीं पा रही थी। कभी कभी पापा के साथ उनके छोटे से किचन गार्डन में पालक के नरम पत्ते चुनते हुए पूछ लेती कि पापा आजकल आप और माँ गुस्सा गुस्सा से क्यों रहते हैं? पापा खामोश रह जाते। मुझे आदत नहीं थी ऐसे पापा की। मैं अपना सवाल दोहराती तो वो मेरा माथा चूम कर मुझे पढ़ने जाने के लिए कह देते। मैं उनके उदास लहजे में जवाब का कोई सिरा खोजती रह जाती। कई बार मैंने रसोई में सलाद काटते हुए या छत पर कपड़े सुखाते हुए माँ से भी पूछा, क्या हुआ है माँ, आप और पापा आजकल एक दूसरे से नाराज क्यों रहते हैं? पहले की तरह घर में रेडियो पे पुराने गाने क्यों नहीं सुनते? क्यों नहीं आजकल आप दोनों अपने बीते दिनों की बातें करते हो? माँ ने उस दिन मेरा गाल थपथपाकर कहा था, तू चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा? यानी कुछ गलत था तो सही ना, पर क्या? ये मैं नहीं समझ पा रही थी। उस दिन तेज बारिश हो रही थी। माँ परेशान सी कमरे से अंदर बाहर टहलती रही थी। पापा देर से घर आए। माँ मेरे कमरे में आई और मुझे सो जाने का कह गई। लाइट बंद करके मुझे कंबल ओढ़ा दिया था। मैंने आंखें बंद कर ली थीं, लेकिन कान वो तो सुन रहे थे माँ की तेज आवाज। बहुत गुस्सा हो रही थी माँ। उनके शब्द अटक अटक कर बाहर आ रहे थे। वो शायद रो भी रही थी। पापा की कोई आवाज मुझे सुनाई नहीं दी। आधे घंटे बाद माँ मेरे कमरे में आकर लेट गई। मैं परेशान हो गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैं चुपचाप सोए रहने का नाटक करती रही, फिर पता नहीं कब नींद भी लग गई। सुबह माँ की तेज चीख से आंख खुली। मैं दौड़ते हुए उनके कमरे में पहुंची और सन्न रह गई। सामने पंखे से बेजान देह झूल रही थी, मेरे पापा की देह। एम्बुलेंस का तेज सायरन मेरे कान में गर्म शीशे की तरह लुढ़का जा रहा था। दिमाग सुन्न हो रहा था। घर में जाने अनजाने लोगों की भीड़ जुटने लगी थी। मेरे पापा का अपनी जान खुद ले लेना बड़ी सनसनाती खबर थी। कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसी दबी खुली जिज्ञासाओं के बीच अजीब सी सुबुगाहट थी सब तरफ। कोई मुझे दिलासा दे रहा था तो कोई माँ को अपने सीने से भींचे समझा रहा था कि उन्हें हिम्मत रखनी होगी, कि उन्हें अब अपनी बेटी का ख्याल रखना है, कि नियति का लिखा कौन टाल सकता है। नियति, मुझे लगा जोर से चिल्लाकर सबका मुंह बंद करा दूं। किसने लिखी थी मेरे पापा की मौत इतनी जल्दी, अचानक और अपने ही हाथों? न जाने कितने सवाल मेरे भीतर थे और सब आपस में उलझ रहे थे। ऑटोप्सी की रिपोर्ट, पुलिस की जांच, कर्मकांड और दुनिया भर की औपचारिकता के बाद पापा की देह खाक हो गई। उन्हें अंतिम विदा देने से पहले मैं देर तक उनके सर्द पैरों से लिपटी रोती रही थी।
पूछती रही सवाल बे आवाज, क्यों पापा, क्यों क्यों गए हमें छोड़कर। मैं उनकी खाली हथेली अपनी हथेली से मिलाकर बैठी रही, लगा पापा अभी आंख खोलकर कहेंगे, अरे मेरे बराबर हो गई है तेरी हथेली, दिखा तो तेरी रेखाएं, देखू तो वही कब लिखा है तेरा ब्याह। और मैं झट से अपना हाथ पीठ के पीछे छिपा लूंगी, मुझे नहीं करना ये शादी ब्याह, मैं तो आपके साथ रहूंगी हमेशा, ठीक है ना पापा, बोलो ना, से यस प्लीज। और पापा आगे बढ़कर मेरी हथेली अपनी उंगलियों में कस लेंगे और लाड़ से कहेंगे, हाँ बाबा हाँ, मेरे साथ रहना हमेशा। पर आज पापा ने अपना हाथ छुड़ा लिया था। मैं झगड़ना चाहती थी, जिद करना चाहती थी उनसे, लेकिन लाचार थी, कुछ नहीं कर पा रही थी। पहली दफा पापा मेरी बात नहीं सुन रहे थे, आज सुबह से कितना कुछ हो गया था, पुलिस में रिपोर्ट हुई, माँ के बयान हुए, मेरे भी, आस पड़ोस के लोगों के भी। मैं माँ को कहते सुन रही थी, नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कोई खास झगड़ा नहीं था, कोई अनबन नहीं थी, नहीं नहीं कोई तीसरा नहीं, सब अच्छा था हमारे बीच। मेरे भीतर कुछ कसमसा के रह गया था। माँ बयान दे रही थी, बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए उसके कमरे में सोने चली गई थी, कहाँ जानती थी कि ऐसा कदम उठा लेंगे। मेरा माथा चटकने लगा था, माँ क्यों नहीं जानती थी कि पापा कोई ऐसा कदम उठा लेंगे, मैं क्यों नहीं जानती थी, क्यों हम आपस में एक दूसरे को इतना भी नहीं समझ पाते, क्यों नहीं जान पाते कि हमारे एकदम करीब जीने वाला जीना ही नहीं चाहता है। घर के खाली कमरे में फर्श पर बिखरे चंद फूलों के सिवा कुछ बाकी नहीं था। राम नाम को सच बताने वाले लोगों की भीड़ मेरे पापा की मौत का सच जाने बिना चल दी थी। माँ कोरी आंखों से घर की देहरी पर खड़ी लोगों को जाते देख रही थी, कांप रही थी उनकी देह। उन्होंने मेरी बाजू पकड़ ली, जैसे एक सहारा छूटते ही हाथ दूसरा सहारा खोजने लग जाता है। अचानक मेरे दुख में ढेर सारा गुस्सा घुलता चला गया। मैंने एक हल्के झटके से माँ का हाथ हटा दिया और भीतर जो भरा था वो बाहर निकल आया। मैं हौले से बुदबुदाई, तुमने मार डाला मेरे पापा को, आई हेट यू माँ। पापा के जाने के बाद मैंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था, अपने मन के दरवाजों पर भी ताले जड़ दिए थे। इतना अकेलापन मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। घर में ऐसी खामोशी थी कि सांसों की आवाज भी सुनाई दे जाए। कितना अजीब था, कैसा विरोधाभास, बेजान घर में सांसों की आवाज। अरे कोई रेडियो ही चला दो, पुराने गाने आ रहे होंगे, पापा की आवाज मेरे कानों में गूंज जाती। उन्हें चुप्पी बेचैन करती थी और मैं और माँ उनके दिन भर चलते रेडियो से परेशान हो जाते। पापा हद बेसुरे थे, लेकिन रेडियो में बजते हर गाने के साथ उनका गुनगुनाना जारी रहता और मेरा भुनभुनाना। यार माँ, पापा को चुप कराओ ना प्लीज, मेरा 12th बोर्ड है भाई, पढ़ना है। मैं अपने कमरे से चिल्लाती तो माँ का जवाब आता, तू है ना उनकी लाडली, समझा ले खुद, ये काम मेरे बस का नहीं है बेटा। और आज माँ ने पापा को चुप करा दिया था। मैं इन दिनों बुरी तरह छटपटा रही थी, माँ मुझे दुश्मन जैसी लगने लगी थी, फिर भी मैं उनसे बात करना चाहती थी, जानना चाहती थी कि उस रात हुआ क्या था, क्या हुआ था ऐसा कि पापा ने अपनी जान दे दी, उन्होंने अपनी तनु के बारे में भी नहीं सोचा, ऐसे तो नहीं थे वो। पापा की 13वीं थी, माँ सुबह से अनमनी घूम रही थी, पापा की अलमारी से उनके कपड़े निकालकर गठरी बांध दी और फिर थोड़ी देर में खोल के सब वापस जमा दिया। उन्होंने पापा की पसंद का खाना बनाया और छोटा सा कुछ हवन जैसा करवा लिया। घर में धुआं भर गया था, दम घुट रहा था मेरा। मैंने खिड़कियां खोल दी, अपना सर बाहर निकाल कर खड़ी हो गई। तभी एकदम करीब सरसराहट महसूस हुई, माँ थी, खामोश बाहर कहीं देख रही थी। मेरे भीतर की कसमसाहट बाहर निकल आई, तुमने उस रोज पापा से क्या बोला था माँ, कौन सा सच उनको बताया, या किस झूठ को सच ठहराने के लिए झगड़ रही थी, बताओ माँ क्या हुआ था उस दिन।
माँ वैसी ही बेहिस बुत बनी ताकती रहीं। मन के हर प्रश्न को कोई ठौर कोई ठिकाना मिलना चाहिए। निरुत्तर प्रश्न तीखी फांस जैसे चुपते रहते हैं उम्र भर। मैं चुपचाप अपने कमरे में से चली आई। रोते रोते आंख लग गई। जागी तो सवेरा हो गया था। धूप निकल आई थी पर मन जस का तस था, सीला हुआ। मैंने लिहाफ हटाया कि माँ ने रसोई से आवाज लगाई, तनु चाय रखी है टेबल पे और पोहे भी हैं, तू खा लेना बेटा, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर में माँ तैयार होकर निकल गईं। हल्की आसमानी साड़ी, कलाई में मोतियों वाली नाजुक सी दो पतली चूड़ियाँ और वहीं उनका ढीला जूड़ा। माँ में पापा के जाने के कोई चिन्ह खोजती रही मैं। सामने कोने में शीशम के शोकेस पर दो फ्रेम रखे थे। एक में मैं और पापा थे, गाल से गाल टिकाए जोर से हंसते हुए। माँ ने खींची थी वो तस्वीर। और दूसरी में ठीक वैसे ही माँ और पापा थे, गाल से गाल टिकाए हंसते हुए। मैंने खींची थी वो तस्वीर। लगा हलक में कुछ अटक रहा है। मैंने एक घूंट में चाय निगल ली और उठकर वो तस्वीर हटा दी। उसकी जगह पापा की तस्वीर लगा दी, सिर्फ उनकी। और उस तस्वीर पर चंदन की एक माला भी डाल दी। याद रहे इस घर को कि पापा जिंदा नहीं हैं, याद रहे माँ को भी। पापा को गए एक महीना हो गया था। मैं सुबह सोकर उठी तो घर में पुराने गाने बज रहे थे, पापा की पसंद वाले। डाइनिंग टेबल पर बड़ा सा मर्तबान रखा था। माँ नींबू मिर्ची का अचार डाल रही थीं। मसालों और सरसों के तेल की तेज खुशबू फैली थी। पापा और मेरी फेवरेट खुशबू, फेवरेट अचार। माँ को सरसों के तेल की महक बर्दाश्त नहीं थी, पर वो डालती थी अचार हमारे लिए। मुझे देखकर माँ मुस्कुराई, बोली, आई खुशबू, ले चख के बता नमक मिर्च। मैंने नींबू की एक फांक मुंह में डाल ली। बेस्वाद है माँ, मैंने तलखी से कहा। माँ चुपचाप मुझे देखती रही। उनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई, पलकों पर दो बूंदें झिलमिला गईं। मैं अनदेखा करके वहां से उठ गई। उन्होंने मेरी जिंदगी को दुख से भरा था, शायद इसलिए उनका दुख मुझे तसल्ली देने लगा था। मेरा ट्वेल्थ का रिजल्ट अच्छा था और अब लॉ एंट्रेंस के नतीजे आने वाले थे। लगकर मेहनत की थी और पेपर भी बहुत अच्छे हुए थे। टॉप 3 कॉलेज में मिल जाएगा ना एडमिशन, पापा ने कोई 6-8 महीने पहले मेरे सर पर हल्की चपत लगाकर छेड़ते हुए पूछा था। मैंने भी उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया था, एडमिशन तो मिल जाएगा, आप फीस का इंतजाम कर लो। हर ट्राइमेस्टर की फीस 1.5 लाख से ज्यादा है और उतना ही हॉस्टल और बाकी खर्चे। पापा संजीदा हो गए थे। उठकर मेरे माथे को चूम लिया था। हो जाएगा इंतजाम, तू बस पढ़ाई कर। मेरी तनु के लिए मैं इतना भी ना कर सका तो क्या फायदा। अब मुझे रिजल्ट का बिल्कुल इंतजार नहीं। जानती हूँ एडमिशन जरूर मिलेगा, पर अब कौन करेगा फीस का इंतजाम? और पापा के बिना क्या करूंगी इस सफलता का, इन खुशियों का? जो आंखें मेरी सफलता पर चमक जाती थीं, वो जब है ही नहीं तो किसके लिए सितारे तोड़ूं? हाँ माँ है, लेकिन जब उन्हें पापा की परवाह नहीं थी तो मेरी क्या होगी? पिछले 8 महीने बार बार मेरी आंखों के सामने स्लाइड शो की तरह चलने लगते और हर तस्वीर में निढाल पड़े हुए पापा नजर आते, उनसे बहस करती माँ दिखती, बंद कमरे से आती उनकी फुसफुसाहट सुनाई देती। मैं कितना भी इधर उधर की सोचूं, बार बार मेरे कानों में माँ की आवाज आने लगती। उनका पुलिस को दिया बयान भी। हाँ नौकरी को लेकर थोड़ा परेशान थे, बेटी की पढ़ाई की फिक्र थी बस। माँ आज भी दिन में निकल गई थी। राशन खत्म हो गया तनु, आती हूँ थोड़ी देर से, माँ ने पस्त आवाज में कहा। तो एक पल मुझे लगा कि ले लूं उनके हाथ से वो बड़े बड़े झोले, कह दूं कि माँ मैं भी चलती हूँ साथ तुम्हारा बोझ ढोने। लेकिन सामने लगी पापा की तस्वीर के सामने बुझे हुए दिए और अटजली अगरबत्ती पर नजर पड़ गई। मैं बिना जवाब दिए बुकशेल्फ में रखी किताबें झाड़ने लगी। काश मन पर लगी धूल भी झड़ जाती। माँ चुपचाप चल दी। मैं वहीं किताबों के बीच पसर कर बैठ गई। उन्हें उलटने पलटने लगी तो एक कागज का टुकड़ा गोद में गिरा।
खोलकर देखा तो चौंक गई। चिट्ठी थी पापा की लिखी हुई, सुसाइड नोट। प्रिय मोहिनी, तुम्हें इस तरह छोड़ के जाना आसान नहीं है, लेकिन जीना और मुश्किल लग रहा है। माफ कर देना मुझे, मैं वाकई तुम्हारे लायक नहीं हूं। तनु को तुम संभाल लेना, कैसे करोगी नहीं जानता, पर भरोसा है तुम पर, मुझसे बेहतर संभालोगी। मुझे माफ करने की कोशिश करना, दिनेश। मैं सन्न रह गई। पापा की चिट्ठी थी, मां को लिखी थी, और आखिर में लिखी तारीख उसी रात की जिस रात उन्होंने मेरा सर चकराने लगा। सामने रखे पन्ने पर लिखे शब्द आंखों के सामने किसी डरावनी परछाई की तरह नाचने लगे। मैंने आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद हिम्मत करके खत को फिर उठाया, उलट पलट के देखा, दोबारा पढ़ना शुरू किया, बार बार पढ़ा। ये क्या लिखा है पापा ने? किस बात की माफी? और पापा मां के लायक नहीं, ये क्यों लिखा उन्होंने? मुझे बीते बरस की एक शाम याद आ गई। मां पापा की वेडिंग एनिवर्सरी थी, 15वीं या शायद 16वीं। पापा किस्सा सुना रहे थे कि कैसे किसी रिश्तेदार ने उनकी शादी करवाई थी, कैसे मां के घर वालों ने झट से मान लिया था। पापा हंसते हुए बता रहे थे, वो सब तो तेरी मां से पीछा छुड़ाना चाह रहे थे, पर इसकी किस्मत अच्छी थी जो मैं मिल गया। पापा के मजाक पर मां बिल्कुल नाराज नहीं हुई थी, बल्कि संजीदगी से बोली थी, हां सच है, बहुत अच्छी है मेरी किस्मत जो तुम मिले। फिर अब क्या हुआ कि पापा को ये सब लिखना पड़ा, अपनी जान देनी पड़ी? 2 घंटे बाद मां लौटी और सीधे रसोई में चल दी। सॉरी तनु, बैंक चली गई थी, पेपर वर्क था बहुत सारा, पापा के अकाउंट्स मैनेज करने थे, लॉकर भी तेरे मेरे नाम से ज्वाइंट कर लिया है। मैं चुपचाप उनको देखती सुनती रही। 10 मिनट में वो 2 थालियों में खाना परोस के ले आई और मेरे सामने बैठ गई। मैं देखती रही उनका चेहरा, कोरे कागज के जैसा, या शायद कुछ ऐसा लिखा था जो मैं पढ़ नहीं पा रही थी। माँ ने पर्स से कुछ कागज निकालकर टेबल पर रख दिए, पासबुक्स, चेक बुक्स, फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट और पापा की डेथ सर्टिफिकेट की नई कॉपीज। मुझे रुलाई आने लगी। खाना खा ले तनु, जो हुआ उसको हम बदल नहीं सकते, अब हम दोनों को एक दूसरे के लिए जीना है बेटा। माँ ने मेरी हथेली पर अपना सर्द सा हाथ रख दिया। मैं उन्हें देखती रही और फिर धीरे से अपना हाथ उनके हाथ के नीचे से सरका लिया और दूसरे हाथ की मुट्ठी में बंद वो पन्ना, पापा का सुसाइड नोट, उनके सामने रख दिया। ये क्या है माँ? माँ ने कागज देखा और चौंक के बोली, ये कहाँ मिला तुझे? उन्होंने कागज उठाया और जाने लगी। मैंने माँ की कलाई पकड़ ली। ये क्या है माँ, क्या लिखा है इसमें? और वो भी बताओ जो इसमें नहीं लिखा है। कमरा मां की सिसकियों से भरता जा रहा था। उनका चेहरा अचानक कैसा तो उदास पीला लगने लगा था। मैंने मां की हथेली थाम ली। वो जोर जोर से रोने लगी। पापा के बाद मैं पहली बार मां को इस तरह बिखरते देख रही थी। शायद उनको कोई कंधा नहीं मिला था अब तक, उनकी बेटी नहीं मिली थी। थोड़ी देर बाद वो शांत हो गईं। पापा की लिखी आखिरी चिट्ठी को उलटते पलटते हुए बोली, तेरे पापा पिछले कई दिनों से बहुत परेशान थे, कॉलेज की एडमिशन फीस और उस टाइम पे होने वाले खर्चे का हिसाब लगाया तो लगा हर साल कम से कम 3.5 लाख, यानी 5 साल में 15-20 लाख चाहिए थे। इस मकान के बन जाने के बाद हमारे पास कुछ खास सेविंग्स थी नहीं बेटा। पर माँ, इस बात के लिए तुम पापा से लड़ कैसे सकती थी? वो कर रहे थे ना मेहनत पूरी ईमानदारी से। मैंने माँ को टोका, मुझे आज उनके सारे सच साफ साफ जान लेने थे। माँ थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, हाँ बेटा, मैं उनकी मेहनत उनकी ईमानदारी के लिए नहीं झगड़ रही थी, हमारा झगड़ा उनकी बेईमानी को लेके था। व्हाट? मैं सकपका गई। मां क्या बोल रहे हो आप? मां ने मुझे हाथ पकड़ के अपने पास बिठा लिया। बेटा, मैं नहीं चाहती कि पापा के इस तरह चले जाने के बाद तू उनके लिए कुछ मलाल रख, कुछ गलत सोच, उनको अपनी नजर से गिरा दे। पर सच तो यह है कि
तेरे पापा ने अपनी कंपनी के अकाउंट से 10 लाख रुपए उठा लिए थे। ही वॉज एन एम्बेजलर, अ फ्रॉड? यू मीन पापा ने गबन किया? तेरे लिए बेटा, हमारे लिए। उन्हें लगा किसी को पता नहीं लगेगा और वो धीरे धीरे जमा कर देंगे, लेकिन बात खुल गई। कंपनी ने उन्हें 3 महीने का समय दिया। वो बहुत परेशान थे, पैसे भी नहीं थे और अपमान की तकलीफ अलग। बताते हुए माँ की आवाज भर्रा गई। मुझे लगा जैसे भरी दोपहर में सूरज अस्त हो गया हो, आंखों के आगे धुंधलका छाने लगा। माँ, मुझे नहीं पढ़ना उस पैसे से, नहीं बनाना मुझे चोरी के पैसे से अपना करियर। नहीं तनु, वो सारे पैसे लौटा दिए। मेरी शादी के गहने थे ना, बेच के सारा इंतजाम हो गया था। पिछले कई दिनों से पापा और मेरी वही बहस हो रही थी, वो गहने नहीं बेचना चाहते थे। तू बता मुझे क्या करना था उन कंगनों का, अंगूठियों का? लॉकर में तो पड़ी थी। तो मां, सब ठीक हो गया तो पापा यूं? मेरे भीतर सवाल किसी अनचाहे खरपतवार की तरह उगते चले आ रहे थे। बेटा, पापा ने जो किया था उसके लिए वो खुद को माफ नहीं कर पाए थे। खुद से किए सवालों के जवाब देना सबसे मुश्किल होता है। जानती हो, हम सब जब अपने आप पे भरोसा खो देते हैं तो अपनों का भरोसा हमें हिम्मत देता है। मैं उन्हें हिम्मत दे रही थी तनु, सच कह रही हूं। मैंने कभी उन्हें अपमानित नहीं किया, कभी दोष नहीं दिया, पर वो खुद घुट रहे थे भीतर। लोग क्या कहेंगे, उनकी बेटी क्या सोचेगी? और उस दिन मुझे उनसे नाराज होकर उनको अकेले नहीं छोड़ना था तनु। मां का गला रुंधने लगा। मैंने उठकर उन्हें कसकर अपने गले से भींच लिया। आई एम सॉरी मां, रियली सॉरी, मैंने क्या क्या सोच लिया था तनु। मां हौले से बोली, तू उन्हें हमेशा वैसे ही याद करना, उतने ही प्यार से, इज्जत से, जिसके वो हकदार थे। बेटा, उन्होंने गलती की थी पर वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। हां मां, मैंने हां में सर हिला दिया। बहुत दिनों बाद घर फिर से सांस ले रहा था। हम पापा के बिना जीने की कोशिश कर रहे थे। मैंने दराज में से वो तस्वीर निकाल कर वापस दीवार पर लटका दी। मां पापा की तस्वीर, गाल से गाल चिपकाए हंसते हुए दो चेहरे। बस इतनी सी थी ये कहानी।